सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज मैं चर्चा करने आया हूं बिहार राज्य की। तथागत भगवान बुद्ध का दूसरा जन्म जिसे हम ज्ञान प्राप्त कहते हैं वो बिहार में ही हुआ। वैशाली में वो रहे, और भी बहुत सारी जगह हैं जहां उन्होंने धम्म देशनाएं देकर मगध के लोगों को और मगध से पहले वाले राजाओं को भी एक अच्छा संदेश देने का काम किया था। उसी बिहार से एक खबर आ रही है कि जनपद है कैमूर और जगह है भभुआ, वहां एकता चौराहा है, चौक है, और उस चौक में गांधी जी की प्रतिमा लगी है और गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर सम्राट अशोक का राष्ट्रीय चिन्ह कह सकते लाट लगा हुआ है। अभी खबर आ रही है कि कुछ गुंडों ने, कुछ मवालियों ने, और जो देश से प्यार नहीं करते हैं, जिन्हें आप अपनी भाषा में जो भी कहना चाहें, जो नया संविधान बनाना चाहते हैं, नया भारत बनाना चाहते हैं, एक रंग में भारत को रंगना चाहते हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। ये देशद्रोह का अपराध है कि उस अशोक की लाट को वहां से तोड़ करके फेंक दिया है। पुलिस को सूचना दी गई, शासन प्रशासन को बताया गया, लेकिन अभी तक उस कैमूर जनपद के भभुआ में एकता चौक पर अशोक की लाट नहीं लगी है। मैं अपील करता हूं बिहार के सभी लोगों से, समान विचारधारा के लोगों से, तथागत बुद्ध के अनुयायियों से, बाबा साहब के अनुयायियों से, और विज्ञानवादी तर्कवादी लोगों से कि सारे सारे लोग इकट्ठे हो जाओ और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ो।